नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र, आप देख रहे हैं YouTube चैनल लाई भारी। दोस्तों आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RCM प्लान के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो दोस्तों एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे, आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है और वीडियो का विषय कर देना है लाइक। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जो भी रोज़मर्रा का जो हम काम करते हैं, काम हम किस लिए करते हैं, जरूर अक्सर उसकी हम पैसों के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों क्या ये पैसा हम घर में अपने बैंक में जमा करके रखते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये जो पैसा हम कमाते हैं इसके कई सारे मार्ग है। जैसे कि कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है या फिर कोई खेती भी करता है, इसके माध्यम से हम पैसा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो पैसा हम कमाते हैं ये घर में या फिर बैंक में जमा करके नहीं रखते हैं। तो ये पैसा हम क्या करते हैं? ये पैसा दोस्तों हम अपने ज़रूरत के ऊपर हम मार्केट में खर्चा करते हैं। तो हम ये जो पैसा जहाँ खर्चा करते हैं उसका एक ट्रेडिशनल मार्केट है, जो कि हमारे दादाजी ने भी वैसे खरीदी की, वही से सामान लाया, हमारे पिताजी ने भी वही से खरीदी की, वही से सामान लाया और हम भी वही कर रहे हैं, वही दुकान से सामान ला रहे हैं और हमारी ज़रूरत की चीज़ों पर वो ला के उसको यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों पैसा कमाना हमारी मजबूरी है, हम शौक से पैसा नहीं कमाते हैं लेकिन पैसा कमाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि पैसा आएगा तो ही हमारे ज़रूरतों का सामान हम मार्केट से लाएंगे और उसको यूज करेंगे। तो दोस्तों जो ट्रेडिशनल मार्केट में सालों से हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने, हमने जो प्रोडक्ट लाए जहाँ से हमने यूज़ किए, लेकिन वहाँ से हमें कोई इनकम नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या फ़र्क है। तो जैसे ट्रेडिशनल में अगर मान लीजिए आपके घर में चाय पत्ती खलास हो गई है, आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं चाय पत्ती दीजिए, तो चाय पत्ती का उदाहरण के तौर पर 100 रुपये MRP है तो आपको वो 100 रुपये में ही मिलेगा। क्या दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा? जी नहीं दोस्तों, दुकानदार आपको MRP के ऊपर ही वो प्रोडक्ट देगा। जैसे 100 रुपये MRP है तो मान लीजिए 100 रुपये में ही आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है चाय पत्ती कंपनी में कंपनी के मार्जिन के साथ कितने की बनी है? जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो चीज़ की MRP 100 होती है कंपनी उसको कंपनी के मार्जिन के साथ 50 या फिर उससे कम में भी बनाती है। लेकिन दोस्तों आपके घर की अगर चाय पत्ती खलास हो गई तो क्या आप डायरेक्ट कंपनी में जाते हैं या फिर आसाम आप चले जाते हैं? जी नहीं दोस्तों, आप क्या करते हैं पास के रिटेलर के पास जाते हैं, लेकिन रिटेलर भी वो चीज़ घर पे नहीं बनाता है। रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है डीलर के पास, डीलर जाता है एजेंट के पास, एजेंट जाता है CFN एजेंट के पास और वो लेता है कंपनी के तरफ से। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो बीच में के जो बिचौलिया लोग हैं ये क्या कंपनी के कंपनी ने इनको बैठाया है, ये क्या फ्री में सेवा देने के लिए बैठे है? जी नहीं दोस्तों, है जब तक एक ही कंपनी चाय की थी तब तक के लिए ठीक था, लेकिन मार्केट में चाय बनाने वाली कई सारी कंपनियां हैं तो कंपनी को हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके इसके लिए ऐड की ज़रूरत पड़ने लगी। तो कंपनी में जो प्रोडक्ट का ऐड करते हैं वो कोई आपके दोस्त या हमारे दोस्त नहीं होते, वो सेलिब्रिटी होते हैं, उनका समाज के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। तो वो आके बोल देते हैं ये चाय पत्ती ताजगी भरी, तो करोड़ों रुपए वो लेके चले जाते हैं, जबकि सामान में वो कोई ना उसका क्वालिटी सुधारते हैं ना कोई पैकिंग बढ़ाते हैं, फिर भी करोड़ों रुपए वो लेके जाते हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। तो आपको क्या लगता है ये बीच में के जो लोग हैं या फिर ऐड है ये कंपनी क्या खुद के जेब से देती है? जी नहीं दोस्तों, ये ग्राहक से ही निकाला जाता है। मान लो कंपनी में कंपनी के प्रॉफिट के साथ में कोई चीज़ 50 की बन गई, लेकिन हमारे पास आते आते ये चीज़ 100 की बन जाती है या उससे अधिक भी हो सकती है। तो बीच में जो लोग हैं इनके परसेंटेज प्लस ऐड का जो खर्चा है जो कि करोड़ों में होता है, ये मिला के उस चीज़ का जो प्राइस है 50 से 100 रुपये बढ़ जाता है और उस MRP पे हम इसको परचेस कर लेते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में क्या अलग है? जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों वही प्रोडक्ट है, वही क्वालिटी है, वही कंपनी ही इसको बना रही है, कंपनी 50 रुपये में ही ये प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें बीच में ना तो डीलर है, एजेंट, होलसेलर कोई नहीं है, इस प्रोडक्ट की कहीं पे ऐड भी नहीं है। तो इसके कारण आपको 100% प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलेगा और
10-15% आपको कम रेट में ये मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहली बात आपको प्रोडक्ट स्वस्थ मिलेगा, दूसरी बात आपको 100% ओरिजिनल मिलेगा। तो देखिए, कंपनी कोई भी माल डुप्लीकेट नहीं बनाती है, कस्टमर कभी भी डुप्लीकेट नहीं मांगता है, लेकिन बिचौले जो लोग होते हैं बीच में के, अपने मार्जिन के लिए ये मिलावट करते हैं और उसके कारण हमें मिलावटी सामान मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक माल आ जाता है, बीच में कोई नहीं होने के कारण कंपनी ये ओरिजिनल उत्पाद ही ग्राहकों को मिलते हैं। साथ में 10-20% इसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है और साथ में इसमें कंपनी ऐड जो बीच में ये लोग नहीं है तो कंपनी बोलती है अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड कस्टमर बनते हो तो एक 45% पैसा आप इसमें से ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, कंपनी में प्रोडक्ट 50 का बना है, हमारे आते आते हमें डिस्काउंट देके हमें 95 में यहाँ पे मिलता है। बीच में का जो 45% जो पैसा है, कंपनी एक सिस्टम के द्वारा हमें वो रिटर्न करती है। तो दोस्तों, कंपनी जो हमें 45% पैसा देती है वो हमें 10-32% तक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है, 3-8% तक हमें रॉयल्टी मिलती है और 1-5% तक हमें टेक्निकल बोनस मिलता है। मतलब परफॉर्मेंस बोनस 32%, रॉयल्टी 8% मतलब 40% हो गया और टेक्निकल बोनस 5%, ये 45% पैसा हमें कंपनी रिटर्न देती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिंपल सी KYC करनी है और आपने जैसे कि सिम कार्ड खरीदा, आपकी KYC दी, उसी तरह से आपको KYC देना है और रजिस्टर्ड कस्टमर बनना है और प्रोडक्ट लेके यूज करना है। प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आपको चर्चा करना है, क्योंकि यह प्रोडक्ट की कहीं ऐड नहीं होती, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आप खुद है। तो दोस्तों, सिंपल है, आपको बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको दुकान बदलना है। आप ट्रेडिशनल से जो मार्केट में से जो चीज़ें ला रहे हैं वो आपको डायरेक्ट सेलिंग से लाना है और यूज़ करना है और लोगों को बताना है। यही तो RCM का प्लान है, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ना किसी को पैसा देना है ना किसी से पैसा लेना है। जैसे कि मैंने बताया, ट्रेडिशनल में आपको इनकम लेने की भी सुविधा नहीं है, 100% ओरिजिनल मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, 100% बिल भी आपको मिलता नहीं है, प्रोडक्ट रिटर्न भी आप नहीं कर पाते हैं, जबकि आपको डायरेक्ट सेलिंग में 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। प्लस आपको कुछ इसकी जो प्राइस है वो भी मार्केट से ट्रेडिशनल से सस्त है, जबकि आपको यहाँ पे इनकम लेने की काफ़ी बड़ी संधि है और 30 दिन की आपको मनी बैक गारंटी भी RCM आपको देता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको RCM का प्लान समझ में आया होगा। इसके आगे का जो प्लान है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय RCM। हंसती है।